सो क्या किया था हमने कल, हमने बोहर का मॉडल किया, उसके पोस्टुलेट्स किए, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसकी सक्सेसेस की। सक्सेस में हमने फर्स्ट जो था वो ये करा डिस्कस कि जो बोहर का मॉडल है वो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकंड उसकी सक्सेस हमने क्या करी कि बाय देयर आर सो मेनी लाइंस व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्दो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और थर्ड हाइड्रोजन एटम सॉरी बोहर मॉडल ने हमें हेल्प किया टू कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट, ठीक है। तो उसके लिए हमने तीन चार जो थे वो फॉर्मूला लिखे थे, उसको हम वापस रिवाइज करते हैं आज कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इट कैन बी गिवन बाय डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट, ठीक है। जैसे तो फर्स्ट वॉज -2.18 into 10 raised to power -18 upon n square into z square, where n is the orbit in which the electron is present and z that is equal to the atomic number. जब हम 2.18 into 10 raised to power -18 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिट जो हम यहाँ पे लेंगे, that is going to be joules per atom. When we are converting this into another unit, then it becomes -13.6 upon n square into z square. ठीक है? This is in electron volt per atom, right? And third, -1312 into z square upon n square kilojoules. ठीक है। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो नेगेटिव यहाँ पे साइन है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एनर्जी जो है दैट इज डिक्रीजिंग एज द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग नियर टू द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा दूर होता है उतनी ही एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और इन्फिनिटी पे हमने पढ़ा था द वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड डन। फिर इसी के साथ एनर्जी के साथ बोहर ने हमें हेल्प किया टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और इन अदर वर्ड्स डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला जो था दैट वॉज गिवन, द रेडियस एन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन ई स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है। ओवर हियर एच जो है दैट इज अ कॉन्स्टेंट, 4 is a constant, pi is a constant, m is the mass of the electron which is again a constant, charge is a constant, atomic number z जो है वो vary करेगा, ठीक है। तो जब हम इसकी value calculate करते हैं h square की, जितने भी इसमें constants हैं, that is h square 4 pi square m e square, इसको हम एक value दे देते हैं which is a naught, सारे constants को club करके एक value हमने दे दी which is a naught, ठीक है। सो फॉर्मूला ये हमारा हो गया a naught n square upon z, the value of a naught calculated over here that was equal to 52.9 picometers for the first orbit, ठीक है। सो यहां पे a naught की वैल्यू लगाते हैं, R of n that is equal to 52.9 into n square upon z. For example, we want to calculate radius for the third orbit. The third orbit of say helium. Helium की third orbit की हमको radius calculate करनी है, तो कैसे करेंगे? 52.9 into
थ्री थ्री जा थ्री का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पे, थ्री थ्री जा नाइन एंड हीलियम के लिए जेड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू टू। यस सर, यस सर। इतना आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू नाइन फाइव जा 45, नाइन नाइन फोर जा कितना होता है 36, 36 एंड फोर इज 40, नाइन सिक्स जा 54, 58 एंड नाइन टू जा 18, 18 एंड फाइव इज 33। सो द आंसर कम्स टू 238.05 पिकोमीटर्स। ठीक है, अगर इसी को हमको ए नॉट को एमस्ट्रॉन्ग में लेना है, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इन एमस्ट्रॉन्ग दैट इज इक्वल टू 0.52 एमस्ट्रॉन्ग, और अगर इसी को हमें नैनोमीटर में लेना है देन द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0.052 नैनोमीटर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट अगेन द वैल्यू दैट इज गोइंग टू चेंज। पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, माइनस 12, 1 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, यस सर, एंड नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, फिर रेडियस कैलकुलेट करने के बाद इट आल्सो हेल्प्ड अस टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन वाला जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंगली एमवीआर दैट इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, ठीक है। सो वेलोसिटी में क्या आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई एमआर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर एक और चीज यहां पे आती है, दैट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। That is given by what? It is given by velocity of the electron upon circumference of the orbit. ठीक है, circumference of a circle that is given by 2 pi r. Yes, ma'am. So ये कितना आ जाएगा? Number of revolutions that is equal to velocity upon 2 pi r. Clear? Yes, ma'am. Then it also explained to us the spectrum of hydrogen. Right? Spectrum of hydrogen के लिए उसने हमको क्या बोला कि it follows the Rydberg equation 1 upon lambda that is equal to mu bar is equal to 109677 1 upon n1 square minus 1 upon इनटू स्क्वायर। सो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है एनर्जी तो वो हायर लेवल पे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो लूज करता है एनर्जी तो वो वापस किस पे आएगा, इट इज गोइंग टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। जब वो वापस आता है इन दैट केस वो एनर्जी को इमिट करता है और वो जो इमिटेड एनर्जी है वो वेरियस वेवलेंथ्स पे फॉल करती है, इसलिए हमें हाइड्रोजन में डिफरेंट लाइंस जो है वो नजर आती है, ठीक है। सो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज बिकॉज ऑफ डेल्टा ई व्हिच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। अब एनर्जी के साथ ही एसोसिएट किया उसने क्या, ही एसोसिएटेड द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस आयन,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है तो उसकी एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए वी से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी इन द इंफिनिटी, एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी इन द एंड लेवल। ठीक है, अब इंफिनिटी पे जो एनर्जी होती है दैट इज जीरो माइनस, और जो ई एन है दैट इज द एनर्जी विच इज अ नेगेटिव। ठीक है, सो दिस बिकम जीरो प्लस ई एन, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द एंड लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो आयनाइजेशन एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस E1, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में। सो हम इसको किलो जूल्स पर मोल में ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो जेड विल बिकम इक्वल टू 1 ओनली, तो हम एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, हां एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, ई इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 माइनस एंड माइनस इज प्लस 1312, सो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एट द फर्स्ट ऑर्बिट वो क्या हो जाएगा, 1312 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इज इट क्लियर? सो उसी तरह से आप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग ऑर्बिट्स में, राइट? नाउ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें बहुत ज्यादा सक्सेस दिए और उसके हमने काफी साल तक उस मॉडल ऑफ एटम को पढ़ते रहे टिल द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम केम वेरी लेट। ठीक है, स्टिल देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स, क्योंकि कोई भी अगर एक नया डिस्कवरी होती है तो वो नई डिस्कवरी हमेशा पुरानी डिस्कवरी को ओवररूल करती है। जैसे आप फोन्स भी देखते हो, फोन्स i4, एप्पल का i4 शुरू हुआ था, फिर उसके बाद i5 आ गया, फिर i6 आ गया, फिर i7 आ गया, तो टेक्नोलॉजीज जो है दे कीप ऑन एनहांसिंग, इंक्रीज करती जा रही है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ, बोहर ने जब अपना मॉडल दिया तो साइंटिस्ट ने उस मॉडल को पढ़ना शुरू किया एंड लेटर ऑन दे सॉ दैट देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स, सो लेट्स स्टडी दोज ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स। ओके, सो वी हैव लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। लिमिटेशंस बोहर्स मॉडल की क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन और इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ Finer details of spectrum of multi-electron systems. मतलब इसका क्या हुआ कि it could only explain to us the spectrum of hydrogen, but जब more than one electron systems were seen, so Bohr's model could not explain the spectrum of multi-electron systems. ठीक है, फिर उसके बाद it could not explain the Zeeman effect. Zeeman effect क्या होता है, it is the splitting up of lines in hydrogen atom
हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट करते हैं, तो इन दैट केस फर्दर स्प्लिटिंग उसकी हो जाती है, दैट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट, वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है. थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यस सर. ठीक है. ऑन द स्पेक्ट्रम, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग हाइड्रोजन को रखते हैं तो वो फर्दर स्प्लिट होती है, उसी तरह से स्टार्क इफेक्ट में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो फर्दर स्प्लिट होगी. यस सर. ठीक है. सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन अस दिस. देन नंबर फोर, बोहर्स मॉडल could not explain the directional characteristics of bonded atoms. ये हम लोग फोर्थ चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो भी बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका. ठीक है. पर जो मेजर ब्लो बोहर की थ्योरी को मिला, दैट वाज ड्यू टू टू प्रिंसिपल्स. बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर That is the de Broglie relationship, which we will do in the next section. Yes, sir. And Higgs boson. And Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है. Yes sir. Clear हो गया. Yes. So these were the drawbacks of Bohr's atomic theory. So let's do two questions. Numericals दो करते हैं हम. Then we go further. Okay. Our first question is: calculate the energy associated with first orbit of He positive. What is the radius of this orbit? What is the radius of this orbit? ठीक है. So हमको कोई भी एक unit जो है उसको पहले select करना होगा. So हम electron volt select करते हैं. ठीक है. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट. सो ई वन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 13 माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. ठीक है. नाउ एन स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहे हो. हीलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 2. सो इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. सो सिंपली हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4 सिक्स आर 24, 4 थ्री आर 12, 14, 4 वन आर 4. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस. सो रेडियस का जो फॉर्मूला है,
let's calculate in picometers. Yes, right? So picometers we calculate the regular 52.9 into n square upon z. Yes, again n square over here, that is going to be 1 square. So 52.9 into 1 divided by 2. The atomic number of helium is 2. Yes, sir. Okay? So this will come to 2 2's are 4, 6 are 12. 26, 45 picometers. So is tarah ke aapko simple se questions jo hai wo is wale section se aa sakte hain. Okay?